राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ने संवैधानिक नियमों को दरकिनार किया है और वो कानून का सहारा लेंगे। 11 दिसंबर को जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जनवरी को पहला सत्र बुलाया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि अशोक गहलोत जैसे परिपक्व नेता से ये उम्मीद नहीं थी। पत्रिका टीवी से खास बातचीत में कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो सत्र आहूत करने की अनुमति नहीं देंगे। मेघवाल ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वो मनमानी कर रहे हैं और संवैधानिक पद का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। आपके जो सचिव महोदय हैं उनकी स्थिति बेचारों की काफी मुश्किल भरी, क्योंकि रिपोर्टिंग आपको और गवर्नर आदेश दे रहे हैं उनको बुलाकर कि भाई मैं आपको चेतावनी धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं उनसे। मैंने उनसे उनको किसी तरह डिफिकल्टी में नहीं डालता। मैंने उनसे यही कहा है कि मैं तो सहमति दूंगा नहीं। इसके बाद मैंने सचिव को स्वतंत्र कर दिया है कि वो जैसा चाहे वैसा निकाले और राज्यपाल के आदेशों की पालना वो करना चाहे तो करे। तो संवैधानिक रूप से उन्हें करनी होगी वो आज्ञा की पालना। राज्यपाल ने जिस तरह से आदेश दिया है और कहा है कि मैं राज्यपाल हूँ, मेरे अधिकार है, तुम मेरे नौकर हो, तुम ये निकाल देना नहीं तो भुगतना पड़ेगा, तुमको नौकरी से निकाला जा सकता है, इस भाषा में जो बात की है ये बहुत गिरावट की भाषा थी। मुझे अफसोस है ये कहने में। राजनीति में इतनी गिरावट, आप उस दौर के गवाह भी रहे हैं, इस दौर के गवाह भी हैं, कारण क्या मानते हैं? और राज्यपाल की राज्यपाल महोदय के बारे में मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि वो राज्यपाल महोदय है जी। मैं केवल इतनी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने विवेक को काम में नहीं लिया और ना मालूम किन सलाहकारों के आधार पर गलत धमकी भरा आदेश दिया है। ये दुखद विषय है जी। तो आपके जैसे बड़े कद के नेता, आपने बूटा सिंह को जालोर से जब वो गृह मंत्री थे तब आपने हराया, और लगातार आपका जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं इस बार भी विधानसभा में आपके जितना जो अंतर है वोटों का वो किसी का नहीं रहा। तो आपके जैसे अनुभवी नेता और स्पीकर इस वक्त, क्या इसको हैंडल थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा और शालीनता से, थोड़ा और अच्छे से किया जा सकता था कि ये इस तरह से तूफान नहीं आता? मैंने सारी बात जो है शालीनता से ही रखी है, किसी तरह का कोई तूफानी जो है वेग नहीं आने दिया, और जहाँ जिस मंच पर मुझे कहना था जाकर अपनी बात कहकर आ गया। मुझे उम्मीद थी कि इस पर गंभीरता से विचार करके संवैधानिक प्रावधानों का भी अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री को फोन कर देते कि भाई ये मर्यादा की उसमें नहीं, ये मेरा नहीं है, ये ड्यूटी मुख्यमंत्री की है, क्योंकि विधानसभा आहूत करने के पहले ऐसी सिफारिश राज्यपाल को भेजने के पहले मुख्यमंत्री को इन बातों का या उनके संसदीय कार्य मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे से विचार विमर्श करे। इसलिए मेरी तरफ से मैं कहूँ, मुख्यमंत्री तो राहुल गांधी जी की रैलियों में व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं, और भी बहुत सारे काम है। एक बार की हम मान लें कि मुख्यमंत्री से ये चूक हुई जो आप खुद मान चुके हैं, तो क्या ये संभव नहीं था कि एक मुख्यमंत्री जी से धीरे से बात हो जाती और इस पूरे मामले का गरिमापूर्ण तरीके से समाधान निकलता? ऐसा है कि गरिमापूर्ण तरीका यही था कि मेरे से विचार विमर्श करते, मिलकर आकर बैठकर टेलीफोन पर, और विचार विमर्श करके 21 दिन की अवधि पूरी करने के बाद की कोई तारीख करते तो मैं इसमें सहमत हो जाता, अन्यथा मैं इस अवैधानिक अनियमित जो सदन बुलाया जा रहा है उसकी साक्षी नहीं बनना चाहता हूं, और इसलिए मैं अपने स्तर पर मेरे जो सचिव है उसको संबंध जारी करने के आदेश नहीं दूंगा।